से मिल रही बड़ी खबर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेसी बीजेपी में आने को तैयार हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने ये बयान दिया है कि जैसे सिंधिया जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में आए, कहा कि इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी तैयारी है, 17 तारीख के बाद सब सामने आ जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी बयान दे चुके हैं। पार्टी में पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में आए, अब जतिन प्रसाद आए, पायलट कब बीजेपी में आ जाएंगे इसको कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है 17 तारीख के बाद हमको छत्तीसगढ़ में भी बड़ा घटनाक्रम होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। और चलिए अधिक चर्चा करेंगे। घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं और अनुराग सिंह देव बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। चलिए सबसे पहले अनुराग जी आपके पास ही आऊंगी, और बयान दिया है बृजमोहन अग्रवाल ने, कितने सहमत है उस बयान से? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर देश भर में इस प्रकार से भगदड़ का वातावरण है और अलग अलग राज्यों में जहां पर बची खुची सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां पर जिस तरीके से खींचतान देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके शामिल हो रहे हैं, उसी तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी स्वाभाविक रूप से है। और उसका उल्लेख बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी और धरमलाल कौशिक जी दोनों ने ही किया है कि कई लोग यहाँ भी बीजेपी के संपर्क में है, और जो यहाँ पर पद के लिए जिस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया था और जिस तरीके से समझौते के आधार पर कुर्सी का बंटवारा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट होकर उस बात को आगे बढ़ाएंगे और 17 तारीख के बाद चले इंतजार करना होगा 17 तारीख का। घनश्याम जी क्या कहेंगे? देखिए, 17 तारीख के बाद एक बड़ा बयान बीजेपी की ओर से आया है कि कई नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा, तो ये इस प्रकार की अरनगल बयानबाजी करके मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति इस तरह की परंपराओं को बर्दाश्त नहीं करती, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। जिस 15 वर्षों में रमन सिंह के खिलाफ हमने खड़ा किया एक बड़ा आंदोलन, उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसका हमें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने अवसर दिया सेवा का, और हम सेवा कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी में एकजुटता है घनश्याम जी? देखिए, ये सवाल तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बटी भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, क्या कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्या कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी, नंद कुमार साय जी। टुकड़ों में बटी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का बयान देकर सिर्फ सुर्खियां बनाना चाहती है, और छत्तीसगढ़ में इस तरह की राजनीति न पहले बर्दाश्त की गई थी न आगे होगी। अनुराग जी क्या कहेंगे? बोली वाली जनता अनुराग जी, ये तो कांग्रेस को खुद ही पता है कि किस तरीके से 2.5 साल गुजरने के बाद भी कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के वर्कर्स की जो मांग थी कि निगम मंडल का जो पद है उनको दिया जाए, 2.5 साल में ये नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी आंतरिक लड़ाई तो स्पष्ट रूप से सामने है, और जहां तक इनके घोषणा पत्र और इनके कामकाज पर भी रोज सवाल उठ रहे हैं। महासमुंद की घटना घटित हुई नहीं, मेरा सवाल अनुराग जी सीधा से ये है कि आप विश्वास रख रहे हैं कि 17 तारीख के बाद कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है या कोई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप से उसके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी, विधायकों का जो नेगेटिव रुख है, जो बीच बीच में सरकार के विरुद्ध में बयान दे रहे हैं, ऐसे सभी घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाए। चलिए, खैर इंतजार करना होगा 17 तारीख का। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उम्मीद ये जताई जा सकती है, जिस तरह से बयानबाजी लगातार तेज हो गई है, कि छत्तीसगढ़ में 17 तारीख के बाद कुछ सियासी गलियारों में हलचल मचती हुई दिखाई देगी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि ये सभी अफवाहें हैं।